भारत के हर जैनी से मेरा कहना है, हर मंदिर वालों से कहना है कि आदिनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव ऐसे ही मनाओ जैसे भगवान महावीर स्वामी का मनाते हैं। प्रातः काल उठकर के सबको एक साथ एक दिन पहले से मंदिरों में लाड़ू बनाओ, वही लाड़ू बेसन का नहीं, नुक्ती का नहीं, गरी की बर्फी का नहीं, बर्फी नहीं काटना है, वो लाड़ू का जो आकार हमने बताया था पहले कि तबले के समान आकार होना चाहिए, पेवर शक्कर का होना चाहिए, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं डालना चाहिए क्योंकि आनंद का प्रतीक है और असहाय आनंद का प्रतीक है। बेसन आटा आदि कुछ नहीं मिलाना चाहिए, मिलाने का अर्थ है वो सांसारिक सुख है। यदि आपने बेसन की नुक्सी का लड्डू चढ़ाया तो परमार्थ सुख का प्रतीक नहीं है, वो संसार के सुख का प्रतीक है। यानी भगवान को तुमने डिमोशन कर दिया, पुण्य के स्थान पर पापी लगेगा। जो नुक्सी का लड्डू गरी का लड्डू बर्फी बनाकर चढ़ाते हैं ये बहुत बड़ा दोष है क्योंकि ये मिश्र चढ़ा दिया, ये नैवेद्य नहीं है। लाड़ू में और नैवेद्य में अंतर है। तो ये लाड़ू कई लोग नुक्ति आदि का बना के चढ़ा देते हैं क्योंकि बनाते बनता नहीं है, बाद में खाने के काम मिल जाता है, इसलिए आप लोग चढ़ाते हो। ऐसा नहीं, पेवर शक्कर का बनाओ, वो अनंत अव्यवाद सुख का प्रतीक है। और ऐसा बना करके और बड़ा जुलूस के साथ जितने तुम्हारे मंदिर है ऐसा बनाओ कि सब मंदिरों में हो, ऐसा जुलूस बनाओ कि सब लोग लाड़ू सामूहिक लेकर गाजेबाजे के साथ, जितने मंदिर हो उतने लाड़ू थालू में रखो और एक एक मंदिर में लाड़ू चढ़ाते हुए सब मंदिरों की वंदना करो। और फिर जाकर के एक इकट्ठे कहीं पंडाल बना करके सभा के रूप में लेकर के बड़ा लाड़ू चढ़ाओ, बड़े उससे कार्यक्रम करो। और वो ही दिवाली 16 दीपक 64 बाती जो महावीर स्वामी के समय करते हैं वही पूजा आदिनाथ भगवान की पर कर देना, महावीर के स्थान पर आदिनाथ की विधि वही है, सब कुछ है। माघ सुदी चतुर्दशी है, माघ कृष्णा चतुर्दशी, माघ बदी चतुर्दशी आ रहे ना, अभी आ रहे हर लोग मोक्ष दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जय हो मोक्ष, क्योंकि बाहुबली और अनंत वीर की तिथि मिली नहीं और किसी के बाद तिथि मिल जाए तो कृपया कर जल्दी यहाँ पर प्रेषित करे किसी के बाद, और नहीं है तो मोक्ष कल्याणक को ही मोक्ष दिवस मना करके हर घर को अभी से तैयारी करना चाहिए मंदिरों में और बहुत जोर जोर से मनाना चाहिए। नमस्ते भगवान।